हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रियो पे पैटर्न क्रिएट कैसे किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक सर्कुलर प्रोफाइल दी है, तो इसके ऊपर हमने कटिंग करी हुई है, सर्कुलर कटिंग करी हुई है। इस हमने एक कटिंग करी है और इसे हमने पैटर्न के थ्रू हमने मल्टीपल कटिंग्स करी हुई है। तो हम क्रियो में इसे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। प्लेन टॉप प्लेन सेट करेंगे, स्केच टू नॉर्मल। तो हम सबसे सर्कल लेंगे, डायमेंशनिंग करेंगे इसकी 100 और एक सर्कल लेंगे। ओके, नाउ हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, गिव कंडीशन मिड प्लेन। ओके, एंड 8 mm, 8 mm, thickness, okay. Now, इस प्लेन के ऊपर हमने स्केच करना है, स्केच नॉर्मल। ओके, और एक सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ सर्कल। डायमेंशनिंग देंगे इसकी, डायमेंशनिंग करेंगे 10 डायो। एंड दिस इज 35। ओके, नाउ let's go to the extrude and extrude cut, change the direction. Okay, now hum kya karenge, hume pattern create karna hai, to humne extrude second ko humne pattern mein create karna hai, to hum jayenge pattern pe, direction denge axis aur hume is axis ke through ओके, नाउ हमने क्या करना, एक्सट्रूड टू पैटर्न। ओके, एक्सिस टू पैटर्न, इस एक्सिस। ओके, यहाँ पे हमने और यहाँ पे हम नंबर ऑफ आइटम्स देंगे, ट्रायंगल रूम। ओके, ट्रायंगल एंड एंगल देंगे 30। ओके, तो हमारी जो पैटर्न है वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, this is how we create a pattern in a Creo. Thank you.